ऑडियो जंगल। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा अन्य बोर्डों के जो छठे सातवें आठवें नवें और ग्यारहवें के विद्यार्थी थे उनके संदर्भ में ये निर्णय लिया गया कि उनको प्रमोट किया जाएगा। और इसी तरीके से हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय, और हाई स्कूल की जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को देखते हुए साथ में ये भी निर्णय हुआ कि किस प्रकार से जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको बोर्ड में प्रमोट करने की प्रावधि क्या होगी। इस प्रावधि के को बनाने के लिए जो विस्तृत निर्देश, दिशा निर्देश हैं कि इनको 10 से कक्षा 11 में किस प्रकार से प्रोन्नत किया जाए, उस संबंधित माध्यमिक शिक्षा परिषद को के अधिकारियों को उसके निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये कहा गया है कि उनके परीक्षा के महत्व को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए और परीक्षा की उपयोगिता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या लगभग 26,10,316 के आसपास है, ऐसे विद्यार्थियों का की जो परीक्षा है वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में, यदि सारी स्थितियां कोरोना संक्रमण की अनुकूल होती हैं, सामान्य होती हैं, तो भविष्य को देखते हुए इस बारे में द्वितीय सप्ताह में जुलाई के 12वीं कक्षा की परीक्षा को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि जो 12-10 प्रश्न पूछे जाते थे एक परीक्षा में, उन 10 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का चयन करना होता था, उसकी जगह इस बार 10 में से केवल 3 प्रश्नों का चयन